मिंटी दीदी, क्या आप मुझे बाद में थोड़े सा सूखा दोगी? नहीं, ये तो वो बात होगी, उल्टा चोर मोदी जी को डांटे। नहीं, हम जलने नहीं देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का वक्त है, मैं उठ के आ चुकी हूँ किचन में। मान्या भी सो रही हैं, जब तक मैं उनका लंच तैयार कर लूँ फिर उनको उठाती हूँ। तो आज मैं उनके लंच के लिए बनाने जा रही हूँ नूडल्स। सारी तैयारियाँ मैंने यहाँ पे कर ली हैं और अब मुझे सिर्फ बनाना है। तो यहाँ पे मैंने सारी वेजेस कट करके रख लिया है और ये नूडल्स भी बॉईल कर लिए हैं, अब बस बनाना है मुझे। मान्या ब्रश करके आ गई हैं और उन्हें खाने में भी चाहिए नूडल्स, थोड़ा सा खा के फिर जाएंगी। Later that same evening. घर से सभी लोग मिलने आए हुए हैं, बच्चे हैं, मम्मी है, नानी है। और नानी मेरे घर पहली बार आई हैं और मम्मी भी शिफ्टिंग के बाद अभी आई हैं। अभी बहुत अच्छी सेटिंग नहीं है, अभी बस काम चल रहा है। अरे हमारा करो करना है, ये वैसे डेली क्रॉकरी वाले हैं, जैसे जो डेली यूज करनी है उसमें ये दोनों रख लिए हैं। और वो वाले वैसे हैं जो कभी कभी यूज होंगे उधर, ये ऐसे खुले थे उस साइड। ए बिस्किट ले लो, बिस्किट खाओ। बिस्किट ले लो, फिर अभी वो बनाएंगे क्या? पॉपकॉर्न नहीं, मैगी नहीं, पॉपकॉर्न। मुझे पसंद है, तभी तो बनाएंगे। जली भी तो नहीं? जली भी बनाई जाती क्या? एक भी जली नहीं, हम जलने नहीं देंगे। तो अभी तो आएंगे ना? हाँ फिर आएंगे, फिर अपने गोलक में डाल लिया। अब हमें भी दोगे हैं? अरे नहीं मम्मा, सुन लिया। कोई रकम नहीं दे रहे हैं, आशीर्वाद है, ये कोई रकम नहीं दे रहे। चेतन, रोज मिलेंगे ठीक है, हम आएंगे फिर। तो आज खाने में हम कुछ नहीं बना रहे क्योंकि घर से अंतु भाभी ने भेजे छोले और भटूरे का आटा। मैंने भटूरे सेकने हैं, ये लोग खाने के इंतजार में। The next morning. ये मान्या का रैकेट बैडमिंटन, डेली स्विमिंग में बैडमिंटन खेलेगी जाके। स्विमिंग दो तुम्हारे लिए सही है, एक मेरे पास भी ये है, तो दोनों लोग खेलते हैं। ये मौसी आपका गिफ्ट। मेरा क्या है? आम। ये तो बहुत ही बढ़िया। टमाटर भी, टमाटर भी बहुत महंगे हैं। ये सही है मेरा। मान्या का नया रैकेट आया, उसका शुभारंभ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो अपने चेतन मामा को लेके गई है नीचे खेलने और उसके बाद उनको स्विमिंग भी करनी होती है। दोनों काम उनके साथ चलते हैं, हर दिन उनको ये काम फिक्स है। तो यहाँ पे मैंने अभी सारे कपड़े दो कबर्ड के खाली कर दिए हैं, अब इनको पहले फोल्ड करके उसके बाद लगा देते हैं, फिर और कबर्ड खाली करेंगे। चेतन, तब से तुमसे पूछ रहे हैं खाना क्या बनेगा, क्या बनेगा, बताया नहीं जा रहा है। अरे तब से तोरई बना दीजिए तो मैं खा भी लूं। अब खुद से कहूंगा कि तोरई बनाओ तो अच्छा नहीं लगेगा ना मेरे। तो दे दिया तो अच्छा लगेगा। मुझे अगर पूछ के मैंने तरोई खाओगे लोग खाओगे तो नहीं। मतलब लगता है जैसे अम्मा अच्छा लगे, बना के दे दो बस खा लेंगे। नहीं पूछो नहीं कि क्या, ये आइडिया। चलो फिर लौकी बना लिया जाए। मैगी बनाओ। अरे लो, मैगी तरोई अभी बात हुई थी मैगी की। नो, मैं भी मैगी खाऊंगी। तो गाइस, यहाँ पे मम्मा दूसरी अलमारी के कपड़े फोल्ड कर रही है और मिंटी दीदी वहाँ पे मैगी बना रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मिंटी दीदी की मैगी। सो चलो, तो गाइस यहाँ पे मिंटी दीदी बना रही है मैगी और आप देख सकते हैं मैगी में सब कुछ तल रहा है। मैगी कहाँ मिंटी दीदी? और उन्होंने मंगाए है मैगी। मुझे वैसे मैगी बहुत पसंद है पर मुझे पास्ता से ज्यादा मैगी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं। और मम्मा, जितनी देर में दिखाया मैगी कितना काम हुआ, आधा निपट गया।
दीदी जाने जा रही है मैगी। वाओ, मन कर रहा है ऐसी खाने सूखी। ना मन करे आपका फीकी के। मिंटी दीदी, क्या आप मुझे बाद में थोड़ा सा सूखा दोगी? नहीं दे दो प्लीज। नहीं सूखा नहीं, तुम्हारे पेट में ऑलरेडी दिक्कत होती है, सूखे से बहुत दिक्कत आती है, इससे अच्छा पकी खा लो चल जाएगा। आप क्या गाइस को रेसिपी बताएंगी इसके बनाने में? अगर अरे इसकी रेसिपी बहुत इजी है। इसकी रेसिपी तो हर लोग बना लेते होंगे। और तुम बता देना रेसिपी सब। मुझे तो सूखी वाली बनाने आती है, मुझे ये वाली बनानी नहीं आती। सूखी वाली कौन सी बनती है? पानी डालो, मैगी डालो, मसाला डालो, थोड़ी देर रुको, आती है, तो बन जाती है। आती है पर मम्मा बनाने नहीं देती। चलो सही करती है। ये तो वो बात हो गई, उल्टा चोर मोदी जी को डालते यार। तो गाइस अब मम्मा से ओपन करने जा रही है यहाँ और सर्व करने। इसी के साथ ब्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, क्योंकि आज का ब्लॉग ज्यादा मान्या ने बनाया है। और आपको अगर पसंद आता है इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।